सफीपुर उन्नाव में जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर सिंह द्वारा कंप्यूटर कक्ष और भोजनालय का किया गया उद्घाटन। सफीपुर इंस्पेक्टर अशोक कुमार पांडे द्वारा बनवाए गए भोजनालय एवं कंप्यूटर कक्ष स्नान गृह का आज माननीय जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे एवं कप्तान विक्रांत वीर द्वारा शिलान्यास का उद्घाटन किया गया। कंप्यूटर कक्ष एवं अतिगढ़ों के लिए कमरों का निर्माण इंस्पेक्टर अशोक कुमार पांडे द्वारा किया गया, जिसके उद्घाटन में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे और कप्तान विक्रांत वीर ने इस कार्य के लिए इंस्पेक्टर अशोक कुमार पांडे की प्रशंसा भी की। इस कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय प्रधान और नगर चेयरमैन नसीम अहमद तथा पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति में किया गया। सफीपुर नगर अध्यक्ष नसीम अहमद द्वारा जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे एवं कप्तान विक्रांत वीर को गुलदस्ता भेंट करके सम्मानित किया गया तथा सफीपुर कोतवाली प्रभारी ने अशोक कुमार पांडे ने सभी अधिकारियों तथा सम्मानित व्यक्तियों सहित पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की लगातार खबरों के लिए बने रहे मुकुल गौड़ एवं रामशंकर के साथ। हर खबर सबसे पहले, उसके लिए आप लोग अभी इकट्ठा हुए ही हैं, बातें हुई हैं। देखिए, कोई भी नई परंपरा मत होने दीजिएगा। जो उन्नाव का जो गंगा जमुनी तहजीब है, आपने बहुत ही, सब लोगों ने बहुत ही मैच्योरिटी का परिचय दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है कि उन्नाव एकदम शांतिपूर्ण रहा। सब ने इस बात को समझा, सच्चाई को समझा और बहुत ही मैच्योर्ड वे में अपने आप को कैरी किया। कोई भी ऐसी अशोभनीय घटना यहाँ नहीं हुई अभी तक, जिसमें कि पुलिस को, प्रशासन को कोई भी बल प्रयोग या कुछ भी ऐसा करना पड़े, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या आप लोगों ने खुद ही से नहीं होने दी। इसके लिए आप लोग सचमुच साधुवाद के हकदार हैं। मैं आपको बहुत ही बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ। इसी सिलसिले में आगे आने वाले त्योहारों में और जो भी आयोजन होंगे, हम लोग वैसी ही परंपरा को कायम रखेंगे। कोई नई परंपरा न होने दें। सारी जो भी चीज़ें होती हैं, किसी भी थाना क्षेत्र में होती है, त्यौहार रजिस्टर में वो दर्ज होता है, कंसर्न SDM साहब के पास भी रिकॉर्ड होता है। तो कोई भी ऐसी नई परंपरा न होने दें। पूरे जनपद में धारा 144 लागू है। आप जानते हैं कि आज से बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, तो उसमें भी जो निर्देश हैं कि जैसे 10 बजे के बाद जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उसको न यूज करें। बच्चे पढ़ाई करते हैं, अपने घरों में पढ़ाई करते हैं। बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है बच्चों के कैरियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आदरणीय DGP महोदय ने इसके लिए हम लोगों को अलग से डायरेक्शन दिया है। जो 112 की गाड़ियां हैं, 112 भी उसके लिए तैयार है। कहीं भी 112 को आप कॉल किया जा सकता है अगर आपको लगता है कि अनावश्यक शोर हो रहा है जिससे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। इस तरह की बातें हैं। पुलिस पूरी तरह से आपकी मदद के लिए है और पुलिस के काम में जब तक जन सहयोग नहीं होता है तो कोई काम नहीं हो सकता। हम वैक्यूम में काम नहीं कर सकते। पुलिस एक सेवा है, पुलिस की सर्विस जो एक सेवा है और आप ही के लिए है। आप ही के दिए हुए टैक्स के पैसों से हमारी तनख्वाह मिलती है, तो हमारा पूरा कर्तव्य है कि हम आपको पूरी तरह से जो हमारा मैंडेट है वो हम आपको दें। इसी सिलसिले में हम लोग अपने जो पुलिसकर्मियों को अच्छे आचरण के लिए भी लगातार ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी जो आम जनता है, आम जन नागरिक हैं, वो पुलिसकर्मियों से मिलें तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, उनसे अच्छे से तहजीब से बात की जाए। किस काम के लिए? तो इस काम के लिए कि जो आदमी इस तरह काम करेगा वो अच्छा तो नहीं हो सकता, लेकिन व्यवहार उसका अच्छा होना वो जरूर अच्छा होगा। UPS News 24 की लाइव खबरों के लिए बने रहें UPS News 24 लाइव के साथ और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपके अपने UPS News 24 लाइव को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।